नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को कृतिका भाग वन क्लास नाइन का पाठ इस जल प्रलय में इसका मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैं इसका प्रश्न उत्तर बना चुकी हूँ और इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन भी की हूँ। क्लास नाइन क्लास टेन कृतिका क्षितिज स्पर्श संचयन उसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ, समरी फुल एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर। उसको देखने के लिए आप लोग ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को इस जल प्रलय में इसका मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? उत्तर, बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपनी सुरक्षा के प्रबंध और अत्यावश्यक सामानों को जुटाने में लग गए। उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया, सलाई, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां इकट्ठी कर ली ताकि बाढ़ से घिर जाने पर कुछ दिनों तक गुजारा चल सके। दूसरा प्रश्न, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? उत्तर, लेखक ने बाढ़ को कई बार देखा था। उसने अनेक बार बाढ़ पीड़ितों की सहायता भी की थी, परंतु किसी नगर में, विशेषकर अपने नगर में पानी किस प्रकार घुसेगा यह जानना बिल्कुल नया अनुभव था, इसलिए उसे घुसते हुए पानी को देखने की बड़ी उत्सुकता थी। उसने रिक्शा वाले को यही शब्द कहे थे, चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है। प्रश्न संख्या तीन, सबकी जबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है? इस कथन से जनसमूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती है? उत्तर, पानी कहाँ तक आ गया है यह जिज्ञासा सबके मन में थी, सब अपनी जबान से यही शब्द कह रहे थे। इससे जनसमूह की उत्सुकता, सुरक्षा तथा कौतूहल की भावना प्रकट होती है। सब लोग नए अनुभव को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, वे जीवन मृत्यु के खेल को देखने का मोह छोड़ नहीं पाते, इस खेल में गहरा आकर्षण होता है। प्रश्न संख्या चार, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? उत्तर, बाढ़ के लगातार बढ़ते जल को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है, क्योंकि बाढ़ के इस जल ने न जाने कितने प्राणियों को उजाड़ दिया था, बहा दिया था और बेघरवार करके मौत की नींद सुला दिया था। इस तरल जल के कारण लोगों को मरना पड़ा, इसलिए इसे मृत्यु का तरल दूत कहना बिल्कुल सार्थक है। प्रश्न संख्या पांच, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए अथवा बाढ़ की खबर सुनकर आपदा के समय हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, आपदाओं से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। पहला, सरकार को सभी प्रकार के संभावित खतरों से निपटने के लिए साधन तैयार रखने चाहिए, उस सामान की लगातार देखरेख होनी चाहिए ताकि आपदा के समय उनका सदुपयोग किया जा सके। दूसरा, स्वयंसेवी संस्थाओं को बढ़ चढ़ कर उत्साह पूर्वक आपदा से निपटने के लिए आगे आना चाहिए। तीसरा, सरकार को स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच गहरा तालमेल बिठाने के प्रयास होने चाहिए। चौथा, उत्साही नवयुवकों नवयुवतियों को शीघ्र ही किसी योजनाबद्ध कार्य में जुड़कर सहयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर छ, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए, अब बुझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है? उत्तर, इस कथन द्वारा आम लोगों के मन में बैठी ईर्ष्या द्वेष की दुर्भावना पर गहरी चोट की गई है। गांव और शहर का अंतर सदा से बना रहा है, अतः ग्रामीणों और नगर वासियों के मन में आपसी कटुता भी घर किए रहती है। यही कटुता उस गमार मुस्टंडे के वचनों से प्रकट हुई है। वह मुस्टंडा चाहता है कि बाढ़ से पटना वासियों का भी बुरा हो ताकि वे भी गांव वासियों की तरह दुखी हो। प्रश्न संख्या सात, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? उत्तर, बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया था, इसलिए अन्य सामानों की दुकानें बंद जहां बंद होने लगी थी वहीं पान की बिक्री अधिक बढ़ गई थी, क्योंकि लोग बाढ़ को देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए थे। वे बाढ़ से भयभीत नहीं थे बल्कि हंसी खुशी और कौतूहल से युक्त थे। ऐसे समय में पान उनके लिए समय गुजारने का सबसे अच्छा साधन था। प्रश्न संख्या आठ, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए? उत्तर, जब लेखक को एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने सबसे पहले ईंधन का प्रबंध किया, फिर खाने के लिए आलू, प्रकाश के लिए मोमबत्ती और दिया सलाई,
पीने के लिए पानी तथा कंपोज की गोलियां एकत्र की। उसने बाढ़ आने पर छत पर चले जाने का भी प्रबंध सुनिश्चित कर लिया। प्रश्न संख्या 9, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है? उत्तर, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में अक्सर पकाही घाव हो जाता है। बाढ़ के गंदे सरे जल के कारण लोगों के पाँव की उंगलियां सर जाती है और तलवों में घाव हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 10, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों के ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया? उत्तर, नौजवान और कुत्ता परस्पर गहरे आत्मीय थे। दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी थे। उनमें मानव और पशु का भेदभाव भी नहीं था। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। यहाँ तक कि नौजवान को कुत्ते के बिना मृत्यु भी स्वीकार नहीं थी। इस व्यवहार से उसकी गहरी मैत्री का परिचय मिलता है। प्रश्न संख्या 11, अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं, मेरे पास मूवी कैमरा टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपर्युक्त कथन क्यों कहा? अथवा, लेखक के पास कलम, मूवी कैमरा और टेप रिकॉर्डर आदि का न होना सुखद एहसास भी था क्यों? उत्तर, लेखक बाढ़ के अनुभव को पूरी तरह जीना और भोगना चाहता है। उधर उसका कलाकार मन चाहता है कि वह बाढ़ के दृश्यों को संजो ले। यदि उसके पास मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर या कलम होती तो वह बाढ़ का निरीक्षण करने की बजाय उसका चित्रण करने में लग जाता। तब जीवन को साक्षात देखने का, भोगने का अवसर उनके हाथों से निकल जाता। प्रश्न संख्या 12, आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटना कई बार समस्याएं बन जाती है, ऐसी किसी घटना का उल्लेख कीजिए। इसी के साथ प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।